हेलो ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स में। एंड आई विश आप आज का ट्यूसडे अच्छा रहा होगा, बेहतरीन रहा होगा, जबरदस्त रहा होगा। एंड आना भी चाहिए, बिल्कुल अच्छी ट्रेड्स थी आज की, अच्छा दिन रहा। थोड़ा सा मार्केट में जो मतलब इतना अच्छा मजा आ रहा था, लिरिक्स गुनगुना गुनगुनाने वाले सुनने वाले ईयरफोन में लगा के जो मजा आ रहा था, वो सारा मजा एक स्टन मार्केट ने, स्टन बुल मूवमेंट ने सब खराब कर दिया। बट जब तक हम काफी सारी ट्रेड्स बुक कर चुके थे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन जो रिदम बना हुआ था सेलर्स का वो थोड़ा सा कहीं हॉल्ट हो गया और आगे की स्थिति जो है मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेन सी होती नजर आ रही है। लेकिन रिव्यू करूंगा अपनी ट्रेड्स को, उसके बाद क्विकली आगे बढ़ेंगे। सो जैसा प्लान था बियरिश मार्केट है, सेम वैसा ही रहा, बियरिश मार्केट था। और 9180 तक के लेवल, 9040, देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ था 9040, बस यहीं तक मार्केट गया आज। और 9043 का लो था, इसको ही ब्रेक करना था, बस 9040 से नीचे जाना था आगे लेवल्स के लिए। बिल्कुल जाएंगे, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, बेहतरीन मार्केट है। और 17800 की पी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट है ना, तो आपने बिल्कुल ट्रेड किया होगा। 150 से टारगेट था हमारा 180 के आसपास का, और ये हाई बनाया 195 के, मतलब आज की वन ऑफ द बेहतरीन हिट ये रही, जबरदस्त पैसा छापा मैंने इसमें, बहुत अच्छी हिट थी। सो आई विश कि आपने भी रिव्यू किया होगा मेरी ट्रेड को। एंड आरबीआई बैंक की बात की जाए, थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था 114 के आसपास पे, लेकिन 2:30 बजे के आसपास इसने एग्जीक्यूशन दिया था 117 से, लेकिन ऑलमोस्ट टारगेट तक नहीं गया, 115 के आसपास तक गया। तो मैं इसको न्यूट्रल मान के चल रहा हूँ, जिन्होंने बुक किया होगा क्विकली डेफिनेटली प्रॉफिट में रहे होंगे। यूपीएल 363 के पास से नॉन एग्जीक्यूशन रहा, लेकिन यूपीएल से थोड़ा सा मैंने पंगा लिया 375 के पास से सेल करने का, और अच्छा दिखाई दे रहा था चार्ट पर, 375 के नीचे लग रहा था कि ऑफकोर्स टारगेट आ जाएगा। 363 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर चुका था अगर मार्केट में फॉल होता है तो, लेकिन 372 के आसपास तक कहीं लो बनाया, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस था 379, उसको यूपीएल ने टच कर दिया। ये यूपीएल आज की थोड़ी सी मुझे बस निराशाजनक ट्रेड रही। ग्रासिम बेहतरीन हिट लगाया, जैसा बताया था शार्प मूवमेंट देगा और बड़ा जबरदस्त हिट लगाएगा सारे के सारे, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बेस्ट ट्रेड ऑफ द डे भी बोला जा सकता है। 500, और पहले ही मैं मैसेज कर दिया था ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप कनेक्ट नहीं है ना तो बिल्कुल हो जाइए। 5 से 7 के पास जब ये पहुंचा था तभी मैसेज मैसेज कर देता है भाइयों, ग्रासिम करेगा बैंग, और जबरदस्त हिट लगाया। इसके अलावा बेहतरीन हिट में शामिल था रिलायंस, मतलब 1557 से पहला टारगेट था हमारा 1532, 1530 हिट हुआ, जब ये टारगेट हिट हो गया उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट था 1480, और देखिए कि ये टारगेट भी रिलायंस में हिट हुआ, मतलब बल्ले बल्ले ट्रेड आज की रिलायंस रही, बेहतरीन हिट रही। तो अगर अभी तक कनेक्ट नहीं है आप टेलीग्राम चैनल से, बिल्कुल हो जाइए। गेम चेंजर्स टी सिर्फ आपको टेलीग्राम पे जाके टाइप करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसीसी गेम चेंजिंग था, कहा था गेम चेंजिंग है और रहेगा, और हुआ। कंटिन्यूअसली मैं इस पे मैसेज कर रहा था कि एसीसी आज मतलब वन ऑफ द बेस्ट हिट रहेगा, टॉप हिट रहेगा, सारे के सारे टारगेट्स, ऑल टारगेट्स एसीसी ने हिट किए, बहुत बेहतरीन हिट स्टॉक रहा। आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो 316 के पास से एग्जीक्यूशन था आईसीआईसीआई बैंक का, 308 तक के लो बनाया, और शार्प अपसाइड मूवमेंट के टाइम पे जब मार्केट ऊपर गया तो 321 तीन के पास तक आईसीआईसीआई बैंक तब यूजफुल हो गया, यूजलेस हो गया था हमारे लिए, लेकिन मैं इसको फिर से कैरी करने जा रहा हूँ, ये कल फिर से जबरदस्त हिट लगा सकता है। तो अगर स्विच करें वेडनेसडे की ट्रेड्स पे, 13 मई की ट्रेड्स पे, थोड़ा ट्रिकी दिन जाने वाला है, टफ तो नहीं कहा जा सकता, वन साइड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली। फर्स्ट सेशन थोड़ा टफ होने वाला है, सेकंड सेशन में धमाल मचाने वाले हैं। निफ्टी क्लोजिंग दिया 9196.55 के पास, बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है 1882.85 के पास, निफ्टी ओपनिंग लग रहा है मुझे पॉजिटिव, डेफिनेटली माइनर सा पॉजिटिव, 9220 से 9180 के आसपास, बैंक निफ्टी ओपनिंग 19000 से 18800 के आसपास। अभी देखिए कोशिश रहेगी 30 इस रेट के पास जाने की, क्योंकि आज हमारे पीएम जी का स्पीच भी है, स्टिमुलस पैकेज भी ऑन द वे है, तो डेफिनेटली यहाँ तक जाने की कोशिश रहेगी, लेकिन पूरा कब्जा बियर का ही है भाई लोग, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा टेक्निकली। सो डोंट बी ए बुल, बी आर ऑन द वे, मतलब यहाँ कॉमा लगा देते हैं कि बुल साइड ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रहने वाला है, बियर बिल्कुल कब्जा करने वाले हैं, मैं टेक्निकली आपको दिखाना चाहूंगा। ये वनडे के निफ्टी की ट्रेड की बात की जाए तो एमएसईडी ऑलमोस्ट ग्रीन जोन को कवर अप करता हुआ, और अभी लग रहा है कि कल भी फ्लैट सा मूवमेंट देने वाला है, लेकिन एक जबरदस्त गैप डाउन आगे वेट कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे सेंटिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट अभी नीचे के बॉटम से ओवरबॉट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल कुछ धमाकेदार नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। जब तक हम 50% रिट्रेसमेंट से ऊपर नहीं जाते, बाइंग की उम्मीद करना ठीक
ठीक नहीं रहेगा। और वन डे के फ्रेम्स में अगर सपोर्ट एसएनआर को मैं ड्रॉ करूं तो ऑलमोस्ट एक्यूमुलेशन लेवल जो हमारा रिसेंटली रहा है उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इस बुल मूवमेंट को ज्यादा बड़ी वो मत क्या बोल सकते हैं इसको, ज्यादा बड़ी कामयाबी ना समझा जाए बुल्स के लिए, क्योंकि 4 आवर्स के फ्रेम में भी ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि एमसीडी प्रॉपर अपने मेंटेन लेवल पे है एंड एक्यूमुलेशन के नीचे सपोर्ट के नीचे हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। छोटे फ्रेम्स पे ट्रेड किया जाए, जो 30 मिनट्स का फ्रेम रहता है बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हर चीज के लिए। 30 मिनट्स के फ्रेम को अगर रिव्यू किया जाए तो आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे शार्प 200 MA से ब्रेकडाउन दिया था, बिल्कुल क्लियर ब्रेकडाउन दिया था। जबरदस्त ब्रेकडाउन के बाद हल्की सी कोशिश अपसाइड जाने की, और 9,240 से ऊपर अगर जाते हैं तब थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट का देखा जा सकता है। 9,300 तक 9,280 तक देखा जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि चांसेस मुझे लग नहीं रहे कि अगेन निफ्टी इतनी तेजी से 200 MA लाइन को ब्रेक करने वाला है। मूवमेंट्स जो है पॉसिबली सेल साइड के ये भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट सारी कंडीशन सेल साइड में ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट और बाकी सारी चीजें क्या किधर मार्केट ले जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ्राइडे धमाकेदार होने वाला है, मैं प्रिपेयर करके रखा हूँ, जबरदस्त फिट फ्राइडे पे लगाने वाले हैं हम लोग। आप भी प्रिपेयर रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ। अगर अभी तक कनेक्ट नहीं है बिल्कुल हो जाइए गेम चेंजर चैनल पे, जबरदस्त चैनल है गेम चेंजर, सी टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्विच करते हैं पहली ट्रेड्स पे। पहली मेरे पर डाबर, डाबर लग रहा है भैया होगा गेम चेंजिंग स्टॉक, लेकिन 442 के नीचे ज्यादा पोटेंशियल ही दिखाई दे रहा है। तो 444 के पास से प्लान रहेगा मेरा कि आधी क्वांटिटी ट्रेड करूं और 442 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा दूं और 438 तक आराम से बुक कर लूं, ये मेरा प्लान डाबर में रहने वाला है। मैं बिल्कुल आपको चार्ट पर दिखाना चाहता हूँ डाबर को। 15 मिनट्स के फ्रेम में ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन, फिर उसके बाद पुल बैक की कोशिश पीवीएट लाइन के पास से, लेकिन पीछे के सारे बॉटम्स के नीचे ट्रेड करता हुआ, बड़ी चिंताजनक विषय लग रहा है डाबर के लिए। और लग रहा है कि और फर्दर रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखे जा सकते हैं। शार्प पुल बैक 453 के पास से और शार्प ब्रेकडाउन 453 451 के पास से ऑलवेज देखने के लिए मिलता है डाबर में, और सेम वही हुआ है 443 तक के लेवल तक हम आ चुके हैं। और अगर कंटिन्यूटी रहता है, और डेफिनेटली रहने वाला है, क्योंकि अभी मतलब तीनों मैजिकल लाइंस के नीचे हम वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे 921 के नीचे फ्रेश सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 MA के नीचे तो हम काफी टाइम से हैं। वॉल्यूम मिक्स्ड है, वॉल्यूम से ज्यादा कुछ उम्मीदें दोनों तरफ की हैं, बाय सेल बाय सेल दोनों तरफ की हैं। एंड एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की फ्लैट हार्ट लाइन ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट है, ट्रेंड में है ही नहीं। डाबर में मैंने मैक्सिमम देखा है ADX फ्लैट ट्रेंड में रहता ही नहीं, डाबर इस तरह से ट्रेड करता है कि बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो 442 के नीचे 444 के आसपास तक हल्का सा पुल बैक के साथ में ओपन हो सकता है, लेकिन 443 के नीचे रिट्रेस करना शुरू हो करता है बेहतरीन नीड होने वाली है, क्योंकि जब डाबर में फॉल बैक होने वाला है मतलब कोई सपोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े आराम से 438 435 तक के लेवल से मिनिमम मुझे डाबर में दिखाई दे रहे हैं। फ्रेम्स को अगर मैं बड़ा कर दूं तो देखेंगे आप स्थिति और भी ज्यादा क्लियर है, मतलब वॉल्यूम के मद्देनजर रखा जाए तो शुरू का अच्छा सेल साइड था एकदम से बाय साइड में डेवलप, लेकिन ADX 17 के आसपास कहीं दिखाई दे रहा है मुझे। चारों मैजिकल लाइन के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए ऊपर के सपोर्ट लेवल के नीचे काफी टाइम बहुत नीचे थे, मतलब 453 के तो काफी नीचे आ चुके हैं और आसपास कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। 435 436 तक आराम से गिरेंगे, 428 तक भी गिर जाए तो ज्यादा बड़ी बात कह नहीं जा सकती, तो इसलिए डाबर हो सकता है गेम चेंजिंग स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं कैडिला हेल्थ केयर। देखिए कैडिला है रिस्की लेकिन ट्रिकी, जिसने कैडिला को अच्छे से ट्रेड किया डेफिनेटली प्रॉफिट लेके जाएगा, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इसको ट्रेड करना चाह रहा हूँ। 327 के नीचे 322 319 तक के नॉर्मल टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। 331 का स्टॉप लॉस शायद टच हो सकता है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन जस्ट अगर प्रिकॉशनरी मेजर लेके चला जाए तो, क्योंकि आपके पास प्लान भी हमेशा होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस टच हो जाए 329 के पास है बेहतरीन सेल सिग्नल, 322 323 तक के लेवल तक लेके जाएंगे। कैडिला होगा बिल्कुल बेहतरीन स्टॉक, रिव्यू करते हैं चार्ट पर। 30 मिनट्स के फ्रेम में हा ना वाली कंडीशन और चारों मैजिकल लाइन के दबाव के नीचे ट्रेड करता हुआ ADX ऑलमोस्ट फ्लैट रीडिंग देता हुआ, निगेटिव डाइवर्जेंस लाइन थोड़ा सा पोटेंशियली दिखाता हुआ। और अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एक मैजिकल लाइंस का मूविंग एवरेज को हम ब्रेक कर चुके हैं, एक की तरफ जाने की पूरी तैयारी है। जितना ऊपर की तरफ बनाया है सपोर्ट के ऊपर उतना ही नीचे की तरफ बना चुके हैं, तो नेक्स्ट टिक जो होगा या तो अपसाइड होगा या नेक्स्ट टिक फिर नीचे बॉटम होगा, और जबरदस्त बॉटम होगा। ऑलमोस्ट विंडो क्लोज हो चुकी है 322 के आसपास, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबली कहा जा सकता है कि 327 के ऊपर मतलब 327 के ऊपर अगर कैडिला ओपन होता है ट्रेड करता है शायद कहीं ना कहीं अपसाइड मूवमेंट पकड़ ले। लेकिन पोटेंशियली अगर जाएंगे 1 आवर्स के फ्रेम की तरफ मैं बिल्कुल स्विच करूंगा, उससे पहले मैं
के बॉटम्स क्लियर करना चाहता हूँ, और बड़े आराम से मुझे दिखाई दे रहा है कि कैडिला में फिलहाल अभी तो भाई ज्यादा आसानी से मिलने वाली है नहीं, बहुत सारे लेवल्स को ब्रीच करके अपसाइड जाना होगा, 331 333 के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करना होगा, तब देखा जा सकता है। अदरवाइज 327 के पास से बेहतरीन सेल सिग्नल जनरेट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और 30 मिनट्स में 200 MA लाइन के नीचे हम ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं। अभी अगर हम 1 आवर में जाएंगे तो नेक्स्ट टारगेट जो है पूरी लग रहा है मेरे को अच्छे से, क्योंकि जो आप देख सकते हैं सेल के वॉल्यूम थोड़े से ज्यादा आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे, बाय के टिक्स में वॉल्यूम अक्यूमुलेशन वाला थोड़ा सा कम है, तो 327 के आसपास से अगर जाएंगे तो 321 के पास सपोर्ट है 200 MA लाइन का, एंड आई एम श्योर वो बहुत तेजी से पास में आ रहा है, उसको टच करना ही करना है, तो 321 के लेवल बड़े आराम से कैडिला में कल देखने के लिए मिलने ही वाले हैं। कैडिला अच्छा स्टॉक हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो रिस्की स्टॉक ट्रिकी स्टॉक में तो मेरा एक ही फंडा है, कम क्वांटिटी के साथ कूदूंगा और बड़ी तेजी से बाहर आ जाऊंगा, मतलब कि 100-150 स्टॉक लेके निकला, 500 रुपये निकल गया लेके 10-15 मिनट में, तो बहुत है ऐसा मैंने एक कैडिला में कर लिया और बाकी 4-5 में कर लिया, 500-500 रुपये बना गए पूरे दिन में, 10 बार कर लिया तो 5000 कहीं नहीं गया। एंड नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं हैवेल्स, जी हाँ हैवेल्स को भी मैं डालूंगा गेम चेंजिंग लिस्ट में, हैवेल्स लग रहा है जबरदस्त तरीके से अपसाइड जाता है, 485 के ऊपर मैं बाय करने जा रहा हूँ, हैवेल्स को 490-492 के तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, स्टॉप लॉस माइनस है 481 यूज करने जा रहा हूँ। चलिए हैवेल्स पे नजर डाली जाए एक बार, 480 के पास क्लोजिंग देता हुआ 5 मिनट्स के फ्रेम में वॉल्यूम जबरदस्त डेवलप किया है, क्लोजिंग के टाइम पे एडीएक्स पे नजर डालेंगे 34 के पास हार्ट लाइन और पॉजिटिव डाइवर्जेंस लाइन थोड़ी सी नेगेटिव से ऊपर लेकिन हार्ट लाइन के नीचे दबाव में है, सो 484-485 के आसपास हम पहुंचेंगे डेफिनेटली, एडीएक्स सपोर्ट में आने वाला है, वॉल्यूम ऑलरेडी सपोर्ट में है, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शार्पली दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 200 MA लाइन का जो रेसिस्टेंस है बस इसको ब्रीच करने की देरी है, वो है 483.58 के पास, थोड़ी सी सपोर्टिव जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफेंसिव जा रहा हूँ, 485 के ऊपर बाय करने जा रहा हूँ, क्योंकि हल्का सा रिजेक्शन मुझे पीवेट लेवल का भी दिखाई दे रहा है, तो 485 के ऊपर अगर हम जाते हैं एक रुपया ऊपर, 1 पॉइंट ऊपर अगर हम 200 MA लाइन के ऊपर जाते हैं, जबरदस्त हलका मचाएगा, जबरदस्त मतलब बाइंग दिखाएगा बड़े आराम से, 492-493 तक के टॉप्स बहुत आराम से हैवेल्स बनाने वाला है, तो हैवेल्स इसी वजह से हो सकता है कल की गेम चेंजिंग स्टॉक, जब ये क्विकली जाएगा ना अपने अपने फेवर में जाना शुरू कर देगा, स्टॉप लॉस को मैं एक रुपया नीचे 200 MA लाइन के 1 पॉइंट नीचे में लेके आ जाऊंगा, ये मेरा ट्रिक है इसमें, ये मेरा प्लान है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी, शार्पली बड़े आराम से 492 तक के टारगेट्स हैवेल्स आपको कल दिखाने वाला है। लाइव मार्केट की ड्यूरिंग आप कंटिन्यूअसली कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, गेम चेंजर सी टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन टेलीग्राम चैनल, इन 5 ट्रेड से अलावा भी जो भी मेरे पास रहता है कंटिन्यूअसली पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे कि आज 70,800 PE बेहतरीन हिट लगाया, जीबीपी आई एन आर मतलब बेहतरीन हिट लगाया, जबरदस्त मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जीबीपी आई एन आर में, एल एन टी एफ एस मेरी गलती है थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था स्टॉक को ट्रेड करके और इस पर अपडेट्स मैं नहीं कर पाया और बिल्कुल एक स्टॉप लॉस फेस करना पड़ा एल एन टी एफ एस में, इसके अलावा बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरीके से गया, यूपीएल जैसे मैंने आपको बताया हल्का सा मिसबिहेव किया पार्शियल टारगेट के बाद में, लेकिन एसीसी बेहतरीन हिट लगाए हम, रिलायंस बेहतरीन हिट लगाए, और क्या चाहिए मतलब इतनी सारी ट्रेड्स हो गई एक ही ट्रेड सब पे भारी थी 17,800 PE मतलब बेहतरीन हिट लगा जबरदस्त प्रॉफिट दिया, तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए इन 5 ट्रेड से अलावा जो भी मेरे को कंटिन्यूअसली दिखाई देता है चार्ट पे मैं कंटिन्यूअसली पोस्ट करता हूँ आपके साथ बना रहता हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेडिंग जीरो टाइप करके, थोड़ा सा नॉइजी है लेकिन बिल्कुल आप अपनी चैट पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक, हल्के से अपसाइड मूवमेंट के साथ में 325-327 के आसपास में दिखाई दे सकता है आपको इसका ओपनिंग, लेकिन शार्पली ट्रैक करने वाला है आईसीआईसीआई ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, 321 से 315 309 तक के लेवल फिर से दिखाने वाला है, चलिए रिव्यू कर लेते हैं चार्ट पर क्योंकि कल का मार्केट थोड़ा सा हाईली अप्स डाउन शो कर सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक का बाइंग मैंने सेली मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है लेकिन रखा सेल साइड पे क्योंकि पोटेंशियल जो है ना सेल साइड में भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाइंग साइड में वॉल्यूम जो मैंने नोटिस किया इतना इफेक्टिव नहीं था, 15 मिनट के फ्रेम्स पे 5 मिनट के फ्रेम से अगर एक बार चेक करेंगे 327 का रेजिस्टेंस है एंड पूरी पूरी कतई संभावना है कि 327 का रेजिस्टेंस को टच करेगा ही करेगा, तो 327 के आसपास से कहीं ना कहीं आपको या तो पुल बैक मिलेगा अपसाइड में, 327 को सपोर्ट में ट्रेड करके अगर इसने ट्रेड किया मैं बिल्कुल बना रहूंगा इस ट्रेड को बाय साइड में ट्रेड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया 321 के पास शार्पली जाएंगे और 321 ब्रेक करते ही जैसे क्योंकि ये एक्सट्रीमली जो रेसिस्टेंस लेवल है
तीन से कितने सपोर्ट, 327 से 323 के बीच में जब ब्रेक हो जाएगा बड़े आराम से, 317 315 तक के नॉर्मल टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट मैजिकल लाइंस के ऊपर ट्रेड करते हो आपको दिखाई दे रहा है क्लोजिंग के टाइम पे। लास्ट की जो फ्यू कैंडल्स हैं थोड़ा सा अपसाइड का वॉल्यूम आप देख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली सेल वॉल्यूम आईसीआईसीआई बैंक ने डेवलप किया है, तो बोल सकते हैं कि दिखावे में आने का नहीं। 30 मिनट्स के फ्रेम पे अगर आप एक बार मुझे स्विच करने देंगे तो कुछ अच्छी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। हल्का सा पुल बैक किया है रेसिस्टेंस लेवल के पास से, लेकिन जब भी पुल बैक किया है ऑलमोस्ट फेल कंडीशन देखने के लिए मिली है, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉटम्स के नीचे ट्रेड करें। 321 का बॉटम हम ऑलरेडी हमारे पास है, तो 321 का बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आईसीआईसी बैंक के लिए खतरनाक रहा है। तो 321 के नीचे जब भी आईसीआईसी बैंक फिसला है जबरदस्त फिसला है, यहां से फिसला है, यहां से फिसला है और पीछे भी शायद कई जगह फिसला होगा। चार्ट बड़ा करेंगे बिल्कुल आप कहीं ना कहीं फाइंड कर ही लेंगे। तो 321 के नीचे चांसेस बहुत कम है आईसीआईसी बैंक के लिए पुल बैक करने के, तो 321 के नीचे इसी वजह से आईसीआईसी बैंक हो सकता है जबरदस्त स्टॉक। 316, 308, 309, 313 तक के टारगेट्स आईसीआईसी बैंक दिखा सकता है। एंड नेक्स्ट स्टॉक है, फाइनल स्टॉक है बर्जर पेंट, और ये तो होगा ही डेफिनेटली गेम चेंजिंग स्टॉक। 457 के ऊपर मैं बाय करने जा रहा हूं इसको, 462, 464, 453 का स्टॉप लॉस के साथ में ये टारगेट देखे जा सकते हैं इफ इफ अगर ओपनिंग 457 से ऊपर होती है ना, मान लिया 460, 459, 460 के आसपास होती, थोड़ा सा वेट करूंगा, बिल्कुल रिट्रेस करने की कोशिश करेगा क्योंकि बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, डेफिनेटली रिट्रेस करेगा। अगर रिट्रेस नहीं करता है, काफी टाइम तक रिट्रेस नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट ही सेशन है, फर्स्ट सेशन ही है जहां आपको बुल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सेकंड सेशन मतलब फुल्ली कंट्रोल में आने वाला है बियर के, ये ऐसा मेरा अजम्पशन है, पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन टेक्निकली मेरा डेटा और मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे यही कह रहा है कि सेकंड सेशन कहीं ना कहीं बियर कंट्रोल करने वाले हैं। अगर फर्स्ट सेशन में क्विकली मुझे ट्रेड करना है, 459 के पास से भी अगर मुझे बाइंग मिलती है, मैं बिल्कुल 465 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूं, एंट्री पॉइंट रखा जा सकता है बाइंग का 459, अदरवाइज 457 के पास से बेहतरीन बाइंग मिलेगी और 468 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं बर्जर पेंट में। चलिए क्विकली स्विच करते हैं अपनी फाइनल स्टॉक्स के चार्ट पर, जो कि बड़ी बेहतरीन स्थिति में। कई बार कोशिश किया बर्जर पेंट ने बॉटम्स ब्रेक करने का, लेकिन किया नहीं और शार्पली पुल बैक किया, ऑलमोस्ट अपने रेसिस्टेंस जोन को सपोर्ट में कन्वर्ट करके उसके ऊपर बिल्कुल बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के फ्रेम में अगर आप नजर डालेंगे एडीएक्स बेहतरीन स्थिति में, 31 के बाद वॉल्यूम कंटिन्यूसली अपसाइड डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि 457 के पास से बेहतरीन बाइंग दिखाई दे रही है, क्योंकि वहीं से पॉप किया है, कई बार पॉप किया और जबरदस्त हिट लगाया है। और रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा तो 466, 466 के पास पहला रिजेक्शन है 200 ml लाइन का, उससे ऊपर जाएंगे तो 470 है। तो इसी चीज को एस्पेक्ट मतलब अपने मद्देनजर रखते हुए 458, 459 के पास से भी बाइंग देखी जा सकती है, अदरवाइज 457 के पास से मिल जा रही थी तो बल्ले बल्ले है। 465 तक के टारगेट्स बहुत बेहतरीन टारगेट्स हो सकते हैं, बड़े आराम से अचीवेबल टारगेट हो सकते हैं। 921 का फ्रेश क्रॉसओवर 50 WMA के एग्जैक्ट ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लिए फर्स्ट रिजेक्शन जो है हमारा 465 है, तो 465 तक जाने की तो बड़ी अच्छी बेहतरीन और मतलब कतई उम्मीद है। एडीएक्स बेहतरीन स्थिति में 18 के पास ट्रेड करता हुआ, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बहुत अच्छी स्थिति में ट्रेड करता हुआ, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअसली डेवलप हुआ है बाय साइड में, अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेहतरीन स्थिति में दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर। तो 457 से पकड़ा गया, बल्ले बल्ले है, 459 से पकड़ेंगे तब भी 6 से 7 पॉइंट से बर्जर पेंट में बनाएंगे। 6 तो बहुत ज्यादा हो गए, मैं 5 भी बना लिया ना, 4 भी बना लिया, जबरदस्त फिट हो जाएगी और बर्जर पेंट करके दिखाएगा कल। इसी वजह से बर्जर पेंट को डाला गया गेम चेंजिंग लिस्ट में, बर्जर पेंट होगा गेम चेंजिंग। तो फाइनल स्टॉक्स पे रिव्यू किया जाए, डाबर बेहतरीन स्थिति में 444 के नीचे जबरदस्त सेल देखा जा सकता है, 442 के नीचे बेहतरीन सेल देखा जा सकता है। कैडिला हेल्थ केयर थोड़ा सा रिस्की और ट्रिकी हो सकता है, लेकिन 327 के नीचे 322, 319 तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हैवेल्स गेम चेंजिंग होगा, 485 के ऊपर जाता है 490 तक के टारगेट बड़े आराम से ला के जाएगा। एंड लाइव मार्केट की ड्यूरिंग बिल्कुल कनेक्ट रहिए मेरे साथ मेरे चैनल गेम चेंजर्स टी पे, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं है बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। आईसीआईसी बैंक 321 के नीचे सेल ऑफ, शार्प सेल ऑफ दिखाएगा, 309, 311 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एंड बर्जर पेंट जैसा मैंने बताया गेम चेंजिंग होगा, 457 के पास से मिला जबरदस्त हिट लगाएगा, 459 के पास से ही मिला, 465 तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विश कि सेकंड सेशन में बुल ट्रेड में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रिकी होने वाला है कल का दिन, मैनिपुलेटिव होने वाला है कल का दिन, बड़े स्मार्ट ट्रेडर ही ट्रेड कर पाएंगे कल, बाकी को पेपर पे करना चलेगा तो चलेगा, लेकिन पेपर नाम की कोई ट्रेड होती नहीं है दोस्तों, याद रखना पेपर ट्रेड करके आज तक कोई सफल नहीं हुआ।
पेपर की तरफ नहीं जाना, एक स्टॉक ट्रेड करो लेकिन रियल ट्रेड करो, रियल ऑर्डर पंच करने का जो रिस्क है, 1 रुपया लगाने का, 50 रुपया लगाने का जो ट्रेड का मजा है ना, वो पेपर से बहुत अलग है। करिए, सिर्फ 100 रुपए से भी ट्रेड किया जा सकता है, तो पेपर भूल जाइए, ट्रेड कीजिए इमोशंस के साथ कीजिए, एक एक क्वांटिटी पंच कीजिए लेकिन रियल पंच कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विश कि आपका दिन बेहतरीन रहे, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे डेफिनेटली बेहतरीन जाने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, एंड गेम चेंजर्स को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।